म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? कनिका, इतना तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे, बंद क्यों कर दिया? गाइस, फाइनली हम लोग मिल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। यू नो व्हाट, काम की वजह से हम लोग नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन सी आज मिल रहे हैं, क्यों शीना? लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं, ये कनिका मैडम तो कुछ बता ही नहीं रही। ये गाड़ी वाला कौन है? अरे यार देख ना, पूरी सड़क खाली पड़ी है, और कितनी जगह चाहिए इसे निकलने के लिए? हॉर्न पे हॉर्न मार रहा है। स्टूपिड, सुने काम कर, तू साइड ले और से निकल। अरे ऑलरेडी कितना साइड में हूँ मैं। शीना, मुझे तो लगता है ये जानबूझकर हॉर्न बजा के हमें तंग कर रहा है। तुम एक काम करो, जरा साइड में ले लो, उसे जाने दो। शीना था वो चेहरा। शीना, लेट्स गो, चलो। हमें आगे जाना चाहिए। शीना, देख, तू डर मत, बस गाड़ी भगाती जा। और सुन, रास्ते में कहीं गाड़ी मत रोकना। उसका चेहरा कितना डरावना था। रिलैक्स महक, कुछ नहीं होगा। शीना, रिलैक्स। ज़्यादा चोट लग गई है, काफी ज़्यादा खून भी बह चुका है। आई थिंक हमें इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। देखिए, आप लोग प्लीज हमारे साथ चलिए, हम आपको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। प्लीज। Help!
फोन भी नहीं चल रहा। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी मैम, मैम वो एक्चुअली हमारा एक्सीडेंट हुआ है, हमें आपकी हेल्प चाहिए। मैम क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? प्लीज मैं आपसे बात कर रही हूँ। और सर हम लोग तो हेल्प करने के लिए रुके थे, इनके फ्रेंड्स को एम्बुलेंस में भेजकर हमें भी वहीं से चले जाना चाहिए था। बेकार मैंने ढूंढने के चक्कर में हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। ऐसा नहीं है, आप दोनों ने इनकी मदद की है। देखो तुम लोग यहाँ किस लिए आए थे? हा? ये तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कैसे, शुरू से बता। सर सर ये उपड़ी और ये विग, समझ में नहीं आ रहा है कि इस वीराने से पोस्ट ऑफिस में इस औरत को इस तरीके से मारने के पीछे मकसद क्या हो सकता है। सर इस खोपड़ी का किया क्या होगा सर, मतलब मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। इसे किसी केमिकल वगैरह में डाला गया होगा, इसी वजह से इसके चेहरे का मांस गल गया। लेकिन सर कोई ऐसा करेगा क्यों? पहचान छुपाने के लिए फ्रेडी, खूनी नहीं चाहता होगा कि कोई इस औरत को पहचान सके। ये तो अच्छा हुआ महक यहाँ आ गई, नहीं तो ये लाश यहाँ पड़े पड़े सड़ जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। सर प्लीज हम लोग घर जाने दीजिए। मैं भी जाऊँ, मेरी दोनों फ्रेंड्स हॉस्पिटल में। ठीक है तुम लोग जा सकते हो, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर जरूरत पड़े तो हम सबको बुला लेंगे। सर ये देखिए, मतलब खून होने से पहले इस लड़की ने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था। है तो ये किसी अच्छे घर की औरत, ये देखिए इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी, अंगूठी, ब्रेसलेट। पर यहाँ क्या कर रही थी ऐसे सुनसान वीरान पुराने पोस्ट ऑफिस में? और एक बात सर, खून की एक बूंद भी जमीन पे नहीं है, इसे लगता है इसे कहीं और मारा गया और लाश यहाँ पे रखे रखती। रेडी पंकज तुम लोग जरा चेक करो ना आसपास, कुछ मिलता है। सर ये कुर्सी एकदम नई है, ब्रांड न्यू, और बाकी सारा फर्नीचर पुराना है। अजीब बात है सर, खूनी ने खून करके इस लड़की को बिठाने के लिए एक नई कुर्सी। सर ये देखिए न्यूज़पेपर में मुझे क्या मिला है, किसी ने गन्ने चबा के फेंके। और सर ये न्यूज़पेपर देखिए, ये कल का न्यूज़पेपर है। हाँ, ये एकदम सूखे नहीं है, लगता है इन्हें हाल में ही खाया गया है। नहीं खूनी ने तो नहीं खाया सर। डीएनए टेस्ट से पता लगेगा इस खोपड़ी का रहस्य आखिर है क्या। रतलान रोड एक ऐसा सुनसान रास्ता जहां पर दो या तीन गाड़ियों से ज्यादा गाड़ियां गुजरती ही नहीं। ऐसे सुनसान रोड पर एक अजीब सा आदमी तीन लड़कियों का कार एक्सीडेंट करता है, फिर मिलता है एक बंद पड़ा हुआ पुराना सा पोस्ट ऑफिस, जिस पोस्ट ऑफिस में मिलती है एक औरत की सर कटी लाश।
एक में एक ऐसे उलझे पड़े हैं सब। सर आ, सर हमें ऐसा लगता है कि एक चीज है जो केस सॉल्व कर सकती है सर। हमें हमें मतलब तुम्हारे साथ और कौन है, किसे लगता है? ओहो रेडी है तुम्हारे साथ, उसे भी लगता है तो चलो अच्छी बात है। तो फिर बताओ जल्दी कैसे सॉल्व करोगे? सर ये कुर्सी सर जिस पे लाश बैठी थी यही केस सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। ये कुर्सी? अच्छा क्या पता करोगे इस कुर्सी से? सर ये कुर्सी हमें खूनी तक पहुंचाएगी। हम जाके ढूंढेंगे कि ये कुर्सी कहां से खरीदी थी। लेकिन पंकज ऐसी कुर्सियां तो शहर में पता नहीं कितनी होंगी। अरे हाँ हाँ पूर्वी हजार से ज्यादा दुकानें होंगी ऐसी कुर्सियां बेचने वाले, दोनों पता लगा लेंगे। क्यों? हाँ 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 सर, सर अब हम इस कुर्सी की कुंडली पता करके ही लौटेंगे। गुड पंकज चलो। दया सर अब हमारे पास वो गन्ने का टुकड़ा, ब्लड टेस्ट और वो खोपड़ी, तीन चीजें हैं और ये तीन चीजें ही हमें उस खूनी तक पहुंचाएगी। यार सारंगे ये तू क्या धक्के दे रहा है, बॉडी किसी औरत की और सिर किसी आदमी का। ये एक आदमी की खोपड़ी है, इसकी उम्र है 35 साल। तो किसी ने उस औरत का सिर काटा और उसके जगह पे इस आदमी का सिर लगा दिया। बिल्कुल, अब बस इस आदमी पर तीन अलग अलग हथियारों से तीन वार किए गए। ये देखो पहला वार ये यहाँ किया गया है इस कुदाल से, और दूसरा वार किया है यहाँ यारी से, और उसके बाद खूनी ने इसके चीक बोन तोड़ दिए ऐसे किसी हथौड़े से। इसकी खोपड़ी इतनी बुरी तरह से टूटी हुई है कि इसका रिकंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता है। समझ में नहीं आता ये खूनी करना क्या चाहता था। सर इतनी बेरहमी से मारा इसे, मतलब काफी रंजिश रही होगी, बहुत नफरत करता होगा इसे। बस उस औरत की गर्दन एक झटके में उड़ा दी ऐसे किसी चौपर से। उस औरत की उम्र है 25 साल के आसपास। और सर इस आदमी का गला कैसे काटा गया था? सेम डे ऐसे ही किसी चौपर से। मतलब इन दोनों लोगों के गले एक ही हथियार से काटे हैं दया, एक ही हथियार से। मतलब खूनी एक ही होगा, खूनी एक ही है। ये सरम के उस लड़की के हाथ पे जो ब्लड टेस्ट के लिए पंक्चर मार्क है उससे क्या पता चला? मैं बताता हूँ बस आइए। ये इस लड़की का ब्लड सैंपल है बस। इस लड़की को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी थी। कौन सी बीमारी सर? ये किस्म का इन्फेक्शन है जो खून में मौजूद हीमोग्लोबिन में हो जाता है, और इस इन्फेक्शन में ब्लड सेल्स सिकल के जैसे हंसे के आकार के हो जाते हैं। इसकी वजह से खून बनने में कमी हो जाती है और शरीर में कई किस्म के रोग हो जाते हैं, और ये इन्फेक्शन बहुत आसानी से दूर नहीं होता। तो बस एक बात और, ये लड़की मरने के 1-2 घंटे पहले किसी स्पा में गई थी, वहां पर इसने मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया था। ये इसका हाथ देखो और ये देखो इसके पैर। मतलब एक 25 से 30 साल की लड़की जिसे सिकल सेल एनीमिया है मरने से पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाती है, फिर स्पा भी जाती है। है कौन ये लड़की? प्रोड्यूसर हम लोगों ने सुबह से पूरा शहर छान मार लिया इस कुर्सी के चक्कर में, कुछ भी नहीं मिला। हमने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी ना? गलती? अरे प्रतिज्ञा लिए पंकज प्रतिज्ञा, जब तक इस कुर्सी के बारे में सब कुछ पता नहीं चल जाएगा हम ब्यूरो वापस नहीं जाएंगे। अरे प्रतिज्ञा ठीक है, 112 दुकानें घूम चुके सुबह से, अभी तक कुछ नहीं मिला और पता नहीं कितनी दुकानों में जाना पड़ेगा। पैर दर्द हो रहे मेरे सर। इस आदमी ने मरने से कुछ दिनों पहले ये रूट कैनाल करवाया, कहां से करवाया कब करवाया ये पता नहीं। और सर इन गन्नों ने आपको कुछ नहीं बताया? बस इन गन्नों को 2 लोगों ने चबाया, और वो ना तो ये खोपड़ी वाला आदमी है ना वो औरत। 214। अरे आराम से चलते क्या जा रहे हो पार्क में, ये कुर्सी का वजन मेरे से भारी हो गया है, मन करता है कि इसे उठा के। संभल के ये एक इविडेंस है। क्या हुआ कुर्सी खराब हो गई क्या? अरे नहीं नहीं
कुर्सी खराब नहीं हुई है, हमें इस कुर्सी की कुंडली निकालनी है। कुंडली? जी हाँ, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? और हमें यह पता करना है कि यह कुर्सी आप ही की दुकान से खरीदी गई है या नहीं। हाँ जनाब, अभी बता देता हूँ कि ये कुर्सी हमारे यहाँ से खरीदी गई है या नहीं, अभी बता दे। अरे ऐसे कैसे बता दोगे, ना तो इसके ऊपर कोई स्टिकर है ना मार्किंग है। जनाब ये कुर्सी हमारे यहाँ से खरीदी गई है, कारीगर को अपना काम पहचानने में देर थोड़ी लगती है। भगवान, भगवान सच्ची में हो भगवान, मुझे पूरा यकीन हो गया है। पंकज तुम्हारा कंधा और मेरी इज्जत दोनों बचा ली भगवान ने। अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को इतना खुश होते हुए देखा एक कुर्सी के लिए। जनाब हमारी खुशी और भी दुगनी हो जाएगी अगर आप हमें यह बता दे कि इस कुर्सी को किसने खरीदा था। आप पहचानते हो ना उसे? हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है साहब। दो लोग आए थे, शक्ल से कुछ गुंडे लग रहे थे साहब। तो उसका स्केच बनाने में हमारी मदद करोगे? अरे साहब आप कहो तो हम उसका लकड़ी में स्केच बना दें। 25 से 30 साल के बीच। साहब हमें ऐसी 50 लड़कियां मिल चुकी हैं जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है और उन्हें सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है। और इन सभी ने सर हाल ही में अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया था। इनके बारे में शहर में जितने भी स्पा सेंटर्स हैं और ब्यूटी पार्लर हैं वहां पूरी फोन करके पता कर रही है उनके बारे में। है तो उन्हीं में से कोई एक है ये। सर हमने हमारी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। हो क्या गया तुम लोगों को, ऐसी हालत कैसे हो गई और ये क्या है इस पोटली में? सर ये चिल्लर है, लोगों ने हमें दिए। सर ये सीआईडी वेलफेयर फंड में हमारी तरफ से एक छोटा सा योगदान है। एक मिनट, तुम लोगों को चेयर के बारे में पता करने भेजा था या चंदा बटोरने के लिए? चंदा को छोड़िए सर, और ये दो स्केच देखिए सर। सर हमने कुर्सी के साथ साथ उन्हीं का भी पता कर लिया है। कर दिया ना केस सॉल्व? नहीं 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 नहीं, ये केस सॉल्व नहीं किया तुम दोनों ने। वो पोस्ट ऑफिस मालूम है जहां पर से हमें वो लाश मिली थी? उस पोस्ट ऑफिस के आसपास के इलाके में जाकर पता लगाओ, देखो कोई गन्ने बेचने वाला दुकान है क्या, और वहां पर इन दोनों ने गन्ना खरीदा था क्या। मतलब फिर से जाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, ये केस अब तुम दोनों को सॉल्व करना है। यस सर। फिर से चंदा मत इकट्ठा करने लगना। सर मिल गई, मोनिका नाम है इसका। कल सुबह 11 बजे ये स्पा गई थी और सुबह 9 बजे ये डॉक्टर प्लस डायग्नोस्टिक सेंटर गई थी। तो फोन करो इस मोनिका को। सर फोन किया था फिर? फोन ऑफ है। जी बताइए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आप मोनिका हैं? जी मेरा नाम सुनहरी है, मैं यहाँ पे पेइंग गेस्ट हूँ। मोनिका कहाँ? वो सुनहरी कौन है वहाँ? सर ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। सीआईडी ऑफिसर्स, आप लोग यहाँ कैसे? मतलब आई मीन जितना आप हमें देख के हैरान हो रही हैं, हम भी आपको यहाँ देख के हैरान हो रहे हैं। क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? ये मोनिका का घर है ना? मोनिका मेरी बहन है। क्या हुआ मोनिका को? है कहाँ आपकी बहन इस वक्त? दीदी जयपुर गई है एक इवेंट के लिए, वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है। अच्छा, आपकी बहन का फोन नहीं लग रहा है, कोई और नंबर है क्या? हाँ वो जिस होटल में रह रही है वहाँ का लैंडलाइन नंबर है मेरे पास। जरा से बात करिए, फोन लगाइए। मगर क्या हुआ है मेरी बहन को? आप लोग आपसे जितना कहा जा रहा है उतना करिए, अपनी बहन को फोन लगाइए, उससे बात कीजिए। जी। आपकी बहन जयपुर कब गई? दीदी परसों गई है। किसी को कुछ बताया था उन्होंने? जी सिर्फ मुझे ही बता कर गई है कि वो इवेंट करने जा रही है। हेलो प्लीज मेरी मोनिका से बात करवाइए। जी मैं उसकी बहन महक बोल रही हूँ। क्या दीदी तो होटल में गई नहीं है, क्या हुआ है मेरी दीदी को? आप लोग कुछ बताइए
जिस लड़की की सरकटी लाश मिली थी, जिसकी लाश आपने देखी थी, वो शायद आपकी बहन मोनिका ही है। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ना हो तो अच्छा ही है, पर इसे कंफर्मेशन के लिए हमें आपका ब्लड सैंपल चाहिए, डीएनए टेस्ट के लिए। सर, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं। हाँ यार, ये मैक की गाड़ी का एक्सीडेंट होना, पोस्ट ऑफिस जाना और फिर वहां पे अपनी बहन की सिरकटी लाश देखना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, इसकी अपनी बहन की लाश सामने पड़ी थी और ये पहचान नहीं पाई। अजीब है ना, ये मैक जैसे दिखती है वैसे है नहीं, कुछ छुपा रही है। इस गन्ना पीने के चक्कर में हम लोग भूल ही गए कि हमें गुंडों का स्केच भी दिखाना है। आगे आगे सर, वो लड़की जो फोन पे बात कर रही है ना, उसी ने उन दो गुंडों को देखा है। अरे सर, बहुत अजीब औरत है, उससे जो भी पूछो ना तो पहले खुद की तारीफ करेगी, उसके बाद कुछ बोलेगी। तो चलो पहले इनकी तारीफ सुन लेते हैं। हाँ हाँ, मुझे से पूछेंगे ना, मैं कोई गलत थोड़ी ना बोली। और ऐसे भी मेरी सलाह लेने तो लोग दूर दूर से आते। हाँ बाबा, निराली सबकी हेल्प करती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना सकतू भाई, सच में सीआईडी के दो हवलदार आए थे मुझसे हेल्प मांगने के लिए। हाँ सक्कू भाई, तेरा होल्ड करना, हाँ कट मत करना, रुको। बोलो साहब, कौन हो, क्या चाहिए? ये अपना फोन है ना, ये जरा रखो, ये हमारे बॉस हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। अरे सक्कू भाई सुनो, मैंने बताया था ना कि सीआईडी के दो हवलदार आए थे, लो अब उनके बॉस भी आ गए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ हाँ, अच्छा सुनो, अब निराली जा रही है सीआईडी का इंटरव्यू देने, तुम फोन रखो ठीक है, मैं बाद में बात करती है। बोलो सर, क्या पूछना है निराली से? उन दो गुंडों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। नहीं भाई, ये तो मैंने आपके हवलदार को कब का बता दिया। हम एक बार फिर से सुनना चाहते हैं आपके मुंह से, शुरू से लेकर अंत तक, एक एक बात डिटेल। साहब, उन दोनों को मैंने कल सुबह देखा था, वो दोनों बहन से आए थे, यहाँ के गन्ने के जूस पिए और कुछ गनेरे भी लिए, फिर ना एक बड़ी सी काली सी कार आई और ये दोनों उस कार को देखते ही तेजी से कार की तरफ भागे और साफ जाके कार के अंदर बैठ गए। तब मैंने बड़ी ध्यान से देखा, ठीक से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर कुछ देर तक वो लोग कार के अंदर ही थे। हाँ, फिर वो लोग कार से निकले और तेजी से अपने गाड़ी की तरफ भागे और गाड़ी से निकल गए। साहब, फिर मैंने देखा कि काली गाड़ी ना वहीं खड़ी थी, फिर एक सफेद रंग की गाड़ी आई जिसमें तीन लड़कियां थी, फिर काली गाड़ी सफेद गाड़ी के पीछे चली गई। साहब, उस गाड़ी का नंबर 4 था, 4 चार नंबर, गाड़ी का नंबर 4 था। इसका मतलब है गाड़ी का नंबर छुपाने के लिए किसी ने जानबूझ कर उसके नंबर प्लेट पे मिट्टी लगा दी थी। वो मास्क वाला आदमी है और उन दो गुंडों ने पोस्ट ऑफिस में उस लड़की की लाश रखी और उस पर उस आदमी की खोपड़ी। सर, एक सेल्फी ले लो। ये लड़की मेरे स्पा में फुट केयर करवाने के लिए आई थी और जैसे ही आपका कॉल आया मैंने इसकी सारी डिटेल्स निकलवा ली। यही वो लड़की है मोनिका जो इस होटल में रुकी थी। क्या? इसी होटल में ठहरी थी वो? जी सर, वो हमारे होटल में 3 दिन तक रुकी थी। 3 दिन? सर, मोनिका का घर तो इसी शहर में, तो फिर होटल में 3 दिन रुक कर स्पा करवाने की क्या जरूरत पड़ी? सर ये देखिए, ये मोनिका के नाम के साथ ये रोहित कुमार भी लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही कमरे में ठहरे थे। सर इनके हस्बैंड है। हस्बैंड? ये महक ने मोनिका के हस्बैंड के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। ये 2 दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते हैं हम लोग। ओके सर, वो आखिरी दिन बहुत अजीब सी बात हुई थी। मोनिका हमारे स्पा में थी, उनके पति बहुत गुस्से में आए
और वो मोनिका को यहाँ से खींच के लेके गए थे। अच्छा, वो दोनों यहाँ से गए कैसे थे? मेरा मतलब है वो लोग अपनी गाड़ी लेके आए थे? जी नहीं सर, हमसे कैब मंगाई थी। तो कैब ड्राइवर का डिटेल तो होगा आपके पास? हाँ जी सर। तो इस कैब ड्राइवर को बुलाइए जो इन लोगों को यहाँ से ले गया था। जी सर, बुलाता हूँ। सर, फुटेज रेडी है। सर, ये रोहित कुमार। सर, ये है कौन? महक से पूछते हैं उसके इस जिज्जा जी के बारे में। ये आप लोगों ने क्या कह दिया है महक को? क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपनी बहन को ना पहचाने? आपकी दोस्त हमसे झूठ बोल रही थी। मोनिका कहीं नहीं गई, वो इसी शहर के एक होटल में एक आदमी के साथ ठहरी हुई थी। और वो आदमी मोनिका का पति है। पति? दीदी की शादी नहीं हुई तो पति कहाँ से आया? अच्छा, तो फिर ये कौन है? चुप क्यों हो? पहचानो? मैंने कभी नहीं देखा इसे। आप लोगों ने इसे देखा? महक, तुमने झूठ क्यों बोला? महक, महक तुझे सब पता था? तूने हम सबसे झूठ बोला? क्यों बोला तूने हम सबसे झूठ? क्यों बोला? महक क्यों? नवीन, नवीन मेरा पति है। मेरा पति है वो। नवीन आपका पति था? क्यों महक, मोनिका और नवीन होटल में कैसे पहुंचे? तुम्हें सब मालूम था ना? मुझे ये बात पता थी कि नवीन का दीदी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि वो दोनों इसी शहर के किसी होटल में सीक्रेटली मिल रहे हैं। ठीक है, हम आके मिलते हैं। नवीन और मोनिका, इनको होटल से जो ले गया था वो टैक्सी वाला, वो मिल गया। साहब, ये वही जगह जहां मैंने उन दोनों को छोड़ा था। यहीं पे छोड़ा था? जी साहब। यहां तो बंद फैक्ट्री और छोटे छोटे फार्म हाउसेस हैं। चलो देखते हैं अंदर। तुम गाड़ी में जाके बैठो। इतना सारा खून? सारे हथियार यहीं पर है, लगता है खून यहीं पर हुआ है। सर, वहां पे कुछ है। कौन हो सकता ये? ये तो नवीन है। नवीन? मोनिका के धड़ पर जो सर था, कहीं वो इस नवीन का तो नहीं? हो सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर मोनिका का सर भी यहीं कहीं होना चाहिए। ढूंढो अच्छी तरह से। सर! हाँ? एसिड? लगता है नवीन का सर यहीं इसी एसिड में डुबाया गया। हाँ सर, अंगूठी खूनी की हो सकती है। हाथापाई में खूनी के हाथ से गिर गई हो। ये अंगूठी तो किसी के नाजुक उंगली से उतरी है ये, और वो उंगली जरूर इसे याद करती होगी। मैंने अपने पति को खो दिया, सब कुछ खत्म हो गया मेरे लिए, और आप लोग मुझे पे इल्जाम लगा रहे। कनिका जी, मोनिका तो तुम्हारी अच्छी दोस्त थी। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पति मोनिका के साथ कैसा रिश्ता निभा रहे थे? ये कैसे हो सकता है? क्या आपको इस बारे में मालूम नहीं था? हाँ,
मैं जानती थी कि नवीन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, पर मैं ये नहीं जानती थी कि उसका अफेयर मोनिका के साथ चल रहा है। यही तो यकीन करना मुश्किल हो रहा है कनिका जी, कि आपका पति आपको धोखा दे रहा था और आपको पता नहीं था। आपका पति आपकी दोस्त मोनिका के साथ आपको धोखा दे रहा था, ये भी आपको पता नहीं। और फिर जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ वो भी गाड़ी आपके ही पति की थी, ये भी आपको पता नहीं। ये लो, ये कैसे हो सकता है? हाँ, कैसे हो सकता है? कौन यकीन करेगा इस बात को? अब आपको रोना आ रहा है। आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपको तो एक्टिंग के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। बहन की लाश सामने पड़ी हुई थी और आपने उसे पहचाना नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पोस्ट ऑफिस में वो सब कुछ आपने रख लिया हो ताकि कोई आप पे शक ना कर सके? मैं मेरी बहन को क्यों मारूंगी? खून करने का कारण तो सबके पास था, इनके पास भी था। ये सुनहरी को आपने क्यों बुलाया है? अब इसका जवाब तो सुनहरी ही देगी। क्यों सुनहरी जी, कार तो बहुत अच्छा चला लेती हैं आप। कार और मैं? सर मैं सब कुछ चला लेती हूँ, साइकिल, स्कूटर, कार, सब कुछ। लेकिन इसका कार चलाने से क्या मतलब है? अभी पता चल जाएगा। अब क्या हो गया? आपका ये हवलदार मुझे बार बार काहे को परेशान कर रहा है? अब पहली बार सब कुछ बता देती तो हम इसे भेजते नहीं थे। चलो अब बताओ, देखो इन तीनों को और बताओ कौन थी वो जो मास्क पहनकर गाड़ी चला रही थी। देवा, ये ब्यूटी क्वीन थी साहब, उस दिन एज थी गाड़ी में। सुनहरी, तुमने हमारा एक्सीडेंट किया था। और कोई पहचान ना ले इसलिए मास्क भी लगाया हुआ था। किसके कहने पर किया ये तुमने, बता ना ले। मेरा किसी के खून से कोई लेना देना नहीं है, ये सब इन लोगों का आपस का मामला है। आप लोग मुझे यहाँ बुलाकर अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुम्हारी अंगूठी सुनहरी के पास है। अंगूठी इसके पास? ऐसा कैसे पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, अब तुम इतना ही कह रही हो तो मान लिया। अब तुम ही बताओ कहाँ पर है तुम्हारी अंगूठी? हमारे पास दूसरे तरीके भी है पूछताछ करने के, उससे समय भी काफी बच जाएगा। पूर्वी, बताती हो या? बताती हूँ। वो अंगूठी तो वहीं खो गई थी जहां मैंने नवीन और मोनिका को मारा था, है ना? ये रिंग हमें मिली, सुनहरी को नहीं। शीना, तुमने ऐसा क्यों किया? शीना, ये सच तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए किया हमने ये। वैसे तो हमारे ऑफिसर अभिजीत ने महक के घर में तुम्हारे उंगली पर अंगूठी का निशान देख ही लिया था, लेकिन हमें तुम्हारे खिलाफ पक्का सबूत चाहिए था, इसलिए ये सब करना पड़ा। शीना और सुनहरी के मोबाइल लोकेशंस एक ही थे। हमने पहले सुनहरे से सच उगलवाया, उसने तो मान लिया है कि उसे पैसे की जरूरत थी, इसीलिए उसने शीना का साथ दिया। और अब आगे की कहानी खुद बताओगी या? आपको कभी किसी ने धोखा दिया ही ना, इसलिए आप मेरा गुस्सा कभी नहीं समझ पाएंगे। प्यार करती थी मैं नवीन से, ये सब उसकी वजह से हुआ है। कनिका को छोड़ के मेरे पास आने वाला था, मेरे पास ना आके मोनिका के पास चला गया। मोनिका उसे अच्छी लगने लगी। मैं सब जानती थी,
लेकिन उसने मेरा नहीं मोनिका का साथ दिया। तुम्हें क्या लगा ब्लैकमेल करके मुझे हासिल कर लोगी? मैंने महक को मारने का बिल्कुल वैसे ही प्लान किया था, सब कुछ पहले से तय था। महक पोस्ट ऑफिस के अंदर आएगी, मोनिका की डेड बॉडी देखेगी। मैंने मोनिका के कपड़े भी बदल दिए थे और फिर सुनहरी ने तो मास्क पहना हुआ था, इसलिए उसे कोई पहचान ही नहीं पाया। सुनहरी महक को भी मारने वाली थी, खत्म करने वाली थी उसे। तुमने सोचा बिहार पोस्ट ऑफिस, इतने पुराने पोस्ट ऑफिस में सीआईडी क्यों आएगी? तुम खून करके आराम से बच जाओगे। हाँ, नहीं पहुंच पाती। नहीं, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। वहां वो दो लड़के आ गए महक को ढूंढते हुए, उन दोनों ने आप लोगों को बुला लिया, लेकिन मैंने नवीन और मोनिका को बहुत तड़पा तड़पा के मारा, बहुत तड़पा तड़पा के। वो यही डिजर्व करते थे, उनके साथ यही होना चाहिए था, वही हुआ। शीना, तुम नवीन से प्यार करती थी, मगर नवीन ने तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुमने नवीन और मोनिका इन दोनों का खून किया। और सुनहरी, तुमने इस जुर्म में शीना का साथ दिया। तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.